देखना है भाई क्या क्या था ये, क्या था ये, डस्टबिन था क्या? अरे एयरपोर्ट से आने के बाद पहली बार मैं नगा खाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। इस वीडियो में आज हम लोग का लास्ट डे होगा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, तो हम लोग पहले निकल चुके हैं अरुणाचल भवन से। थैंक यू भाई साहब, फिर से मिलते हैं कभी ना कभी अगर जिंदा रहूँ तो। हम लोग सही सलामत पर एयरपोर्ट पहुँच चुके और सही टाइम पर। तो गुड मॉर्निंग मोनू भाई। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी फाइनली तैयार हो चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग का एंट्री होगा A1 से होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग का एयरपोर्ट में एंट्री हो चुका है। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है ये, कलकत्ता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो मुनू भाई वहाँ पर मतलब चेक इन हो रहा है उसका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सिक्योरिटी चेक। तो गाइस अभी मैं मुनू भाई का जगह पे रहा हूँ क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है और प्लस मेरा थोड़ा तबीयत खराब है और सर्दी भी है। गेट नंबर 21 से हम लोग का एंट्री होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं अपना अपना फ्लाइट को, तो ये फाइनली इसको खाली हो चुका है, फिर से आ जाएंगे इंडिगो के बारे। हम लोग का फ्लाइट है इंडिगो पे। टाइम आ चुका है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। सबके पास मास्क है लेकिन मेरा मास्क है कुछ नहीं, मेरा सर्दी हुआ है। तो उधर जा रहे मनु भाई लोग, तो ये है हवाई अड्डा। यहाँ पर फिर से चेकिंग हुआ दो तीन बार चेकिंग। गाइस यार होस्टल बहुत ही सुंदर होते यार। मेरा सीट नंबर है B3। सस्ता वाला खाता रहा है बैग में। ये भी है ये भाई 25F। यहाँ पर फॉरनर भी है पीछे। मोनू भाई ने मुझे एक जैकेट दिया बस टेम्पररी के लिए, तो अगर ये जैकेट नहीं होता ना मेरा तबीयत और बिगड़ सकता। तो इसको बहुत ही ज्यादा मजा लग रहा है, अभी एयर होस्टेस लोग आने वाले हैं, सुंदर सुंदर लड़के लोग, और भी इसको मजा लगेगा। बहुत ही बहुत सुंदर होते यार एयर होस्टेस वाले, शादी करोगे मिलने से एयर होस्टेस नसीब चाहिए। गाइस ये मेरा दूसरा जर्नी होगा फ्लाइट का, जैसे कि मैं मुनू भाई के साथ पहली बार आया हूँ तो ये दूसरा बार होगा मुनू भाई के साथ फ्लाइट की जर्नी ना मुनू भाई। यस, जितना भी पैसेंजर है सबके सब मास्क लगाया हुआ है और हम दोनों का मास्क नहीं, हम लोग अरेंज कर लेंगे मास्क इसी तरह से आएगा मास्क देने के। हाँ फाइनली मिल गया मास्क, बहुत ही सुंदर यार होस्टेस ने दिया है, दोनों को मिल गया मास्क, अरेंज हो गया। अरे प्लेन उड़ने वाले हैं यार, तो मुझे बहुत ही चक्कर आ रहा है, तो मैं जिस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा। मुझे बहुत ही चक्कर उल्टी आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी सबको उतरना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लंबा लाइन है यार, दरवाजा खुला नहीं, यहाँ पर खड़ा है वेट कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग हमारे नोटिस में आ गया। कॉलेज फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर एयरपोर्ट, हम जाएंगे बाहर। हमारा दोस्त लोग मतलब वहाँ पर बाहर वेट कर रहे हैं, टेंशन लग रहा है ऑलवेज। और अपना जगह पे आ चुका हूँ और भी मजा लग रहा है। तो यहाँ पर बैगेज को मतलब क्लेम करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर मेरा बैग को नजर आ रहा है ये पूरा। हाँ ये मिल गया मेरा बैग, तो उसका स्पाइनरी निकल चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट से। क्या हाल है भाई? ठीक है। हम लोग घुस चुके हैं कार के अंदर में, तो यहाँ पर दोस्त लोग मतलब लेने के लिए जाए हम लोग को। पीछे बेटा मिस्टर आसमिन, यहाँ पर रुपम भाई उसका हालत बहुत खराब हो गया, दोस्त की परमिति निभाने के लिए आया है, फिर भी आया है। तो गाइस हम लोग आया है फिलहाल अभी नागा किचन पे, किचन और बीतुल का मन में जब भी किचन सुनता है खाने पीने का, इसका तो पूरा एकदम मुझे बाहर आ। इस भाई का हालत तो खराब हो गया, निह गया, पंचर हो गया भाई। ओह नगा का हथियार। तो गाइस नगा के किचन बहुत ही हैंडसम है, तो मेरा दोस्त लोग भी बहुत बहुत हैंडसम है, ये पूरा हैंडसम है, गोरा है। थैंक यू सर। ये भी हैंडसम है।
तो गैस में पहली बार लगा के डिश में टेस्ट करूंगा, इतना खाऊंगा मुंह खार खार के खाऊंगा पूरा जिंदगी भर ज्ञात रखूंगा। भाई साहब मैं पहली बार लगा के सब्जी बनाया, सभी लोग को दिया थाली, अरे भाई लेकिन मुझे नहीं दिया थाली, मैं बहुत बदनसीब हूँ, मुझे नहीं मिला। मैं बोल रहा था ना मुंह फाड़ फाड़ खाने वाला, मेरा इंसल्ट हो गया, आगे खा नहीं पाऊंगा, क्या खाऊंगा। अरे देना था यार, देखो हिसाब से ऑर्डर किया था, हिसाब से दिया है। रुपम ने पहले बोला था नहीं खाएंगे, लेकिन अभी दोस्तों का देख देख के खाने के, इसलिए तेरा बार आएगा, लेकिन आएगा तेरा साले। दिल खुश कर दिया मुन्नी भाई ने, मुझे लगा नहीं मिलेगा। इतना मस्त मस्त आइटम, एक आइटम में लगभग 12-13 आइटम है यहाँ पर, इतना प्रकार का आइटम दिया, मैं जितना दिया सब खत्म कर दूंगा, डायरेक्ट खत्म कर दूंगा। देखना है भाई ये क्या क्या था, ये क्या था, ये डस्टबिन था क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, और चाहिए और चाहिए। भाई साहब बितुल भाई का तो क्या बोलो, खाने में एकदम एक्सपर्ट, मजा आता था इसका खाने का, देखने का स्टाइल ना भाई, उसके बाद तो अपने को भी भूख लगता है। और मुन्नी तुम खा पाए कैसे मिर्चा? ये तो बेचारा पूरा भीजिए, भूख लगा भाई। और हम लोग अगर देखे खाना पीना ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही होने वाला है, पूरा साफ हो गया। कैसा है नगा स्टाइल खाना? एकदम बढ़िया। तो गाइस फाइनली खाना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये रुपम भाई ये लास्ट है, ये बहुत खा सकता है लगता है। नहीं नहीं भाई, सबसे कम तो मैंने खाया। सब कुछ सही, मोनोबिको मैथोरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सब खत्म कर दिया, एक भी नहीं बचा। मोनो भाई यहाँ क्या कर रहे? फाइनली मैंने पेट पे कर दिया, दिन रात में मेहनत कर रहा था, मैं नहीं सो के मैं रोज में ब्लॉग वीडियो में बनाता था, दिन रात में मेहनत कर रहा था, मेरा एटीएम से मेरा कार्ड से मेरा कार्ड से पैसा निकाल निकाल के निकाल निकाल के निकाल निकाल के निकाल निकाल के हगने तक खाया, पहनने तक खाया, उसके बाद में मुझे ही डसा मेरा बिल्ली, मुझे ही मैं मुझे बार्गेनिंग भी कर दिया है। तो गाइस ये रहा मिस्टर राहुल। तो गाइस फाइनली खाना वाना कंप्लीट हो चुके हैं, कि नगा स्टाइल खाना मतलब नोटिस में इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। 12-13 आइटम के साथ खाना खाया, जितना भी आइटम मिला एक एक करके सब में खत्म कर दिया। लगभग मैं 4 बार में राइस खाया, इतना खाया इतना खाया कि ना खाना में जिंदगी भर नहीं बोलूँगा, फिर जब भी मैं दिव्योर में आऊँगा फिर से खाऊँगा नगा खाना। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का मार्केटिंग कम्प्लीट हो चुका है। मोनू भाई ने सबको, हम चारों को उसका मतलब दोस्तों को जितना है सबको मतलब एक एक मतलब टी शर्ट खरीद कर दिया स्पोरिंग। तो सबका ड्रेस एक ही है, कुछ लोग का लेकिन एम है, कुछ लोग का एक्सएल है, कुछ लोग का लार्ज है, मेरा एक्सएल है, मेरा एक्सएल क्योंकि मैं मोटा हूँ, काटा भी चटा इसलिए। तो लेकिन ये रुपम भाई थोड़ा वो कटना है, फिर भी वो एक्सएल बड़ा लिया, उसको बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है इसको, छोटा पसंद नहीं है, पसंद नहीं बड़ा पसंद है, इसलिए बड़ा लिया। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मोनू भाई के घर पे। तो यहाँ पर वो गेस्ट आने से सबसे पहले गेस्ट को पानी से वेलकम किया जाता है, जिसके पानी पिलाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर घर पहुँचते ही मतलब तैयारी कर रहा है हमारा वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर मोनू भाई, सॉरी रुपम भाई, और यहाँ पर हमारे दोस्तों। तो गेस्ट हम लोग फाइनली पहुँच गया हमारा गाँव, हमारा गाँव पहुँचते ही मुझे भूख लग रहा है। तो अंडा खा रहा है, अंडा अंडा एक अंडा 10 रुपया वाला, बहुत ही मस्त है। या चतुआ या वाह, बहुत दिनों के बाद, वाह चतुआ बड़ा हो गया बहुत दिनों के बाद, वाह पूरा खुश। अभी सिंगार तो मर गया, अभी बस ये बाकी है, बड़ा हो रहा है ये, पूरा खुश हो रहा है। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों जैसे कि कल रात को हम लोग घर पे पहुंचा, तो उसका क्लिप में रात को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा मोबाइल मतलब रात को विजिबिलिटी इतना ख़राब है कि मेरा मोबाइल बस दिन में ही दौड़ सकता है, तो इसलिए मैं रात का क्लिप में वह रिकॉर्ड ही नहीं किया। जिससे कि हम लोग को दोस्त लोग पहुँचाने आया, तो आधा रास्ता से हम लोग को रुपम बाइक पहुँचाने के लिए आया, तो बाइक से तो हम लोग झारखंड से सही सलामत हमारे
गांव पहुंचा बहुत बढ़िया तरीका से, कोई टेंशन नहीं था बिंदास। तो अभी मतलब मुनू भाई सो रहा है, तो क्योंकि रात को मतलब वो वीडियो एडिटिंग करते हैं, मतलब रात को लगभग 2-3 बजे तक वह वीडियो एडिटिंग करते रहता है, इतना भी वीडियो एडिटिंग करते हैं वो, दिन भर वीडियो बनाते हैं। तो मैं रात को वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रात को वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो मतलब कभी कभी मतलब गैप होता है, तो इसी के कारण से मेरा परसों भी मतलब वीडियो गैप हुआ था इसकी वजह से, क्योंकि मुझे वो मतलब रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करने का चक्कर में मेरा एक दिन गैप हो गया वीडियो। तो दोस्तों मतलब झारखंड से आया, वहाँ से असनसोल में रहा, असनसोल से कलकत्ता गया, कलकत्ता में रहा, वहाँ से सीधा आ गया डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से फाइनली पूरा पहुँच चुके हमारे घर। अब बिंदास ऑर्गेनिक लाइफ है, पूरा गांव की लाइफ, पूरा बिंदास जीवन का मेरा पीछे देख सकता है। ये है हमारा गांव, आसपास में मतलब घर ही नहीं है, अब बस हमारा घर है और पूरा सुनसान सन्नाटा, पूरा शांति है। और ये पीछे हमारा सुपारी का खेती, यानी कि सुपारी का बागान, और वहाँ पर बेटा है, वहाँ पर है चटुआ, चटुआ सिंगर तो मर चुके ऑलरेडी, ये चटुआ हमसे भी बहुत प्यार करते हैं यार। तो गाइस आज के वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से एक बार, बाय, बढ़िया से रहना भाई साहब।